फीलिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बगैर इसके हम बिकॉज बीइंग इन द सर्विस इंडस्ट्री वी हैव टू ऑलवेज कीप आवरसेल्फ दैट वी आर द वंस दो जो आर गोइंग टू हेल्प सपोर्ट समबडी हु इज इन नीड ऑफ और हम तभी उनको हेल्प वो कर सकते हैं जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आएगा जब हम स्पिरिचुअल होंगे और तभी हमारे अंदर एक विश्वास जगेगा कि हम ये सर्विस देने में सक्षम हैं रहेंगे करते रहेंगे। सर्विस इंडस्ट्री इज ए स्पेसिफिक इंडस्ट्री एंड इट्स ए अपकमिंग एंड डेवलपिंग इंडस्ट्री नाउडेज। आपने देखा होगा देश में विदेश में घर पे बाहर यहां तक कि मैं देख रहा हूं कि हवाई जहाज में बैठे हुए भी लोग सर्विस दे रहे हैं लोगों को। आजकल हवाई जहाजों में भी वाईफाई शुरू हो गया है तो वहां पे भी बैठे बैठे लोग सर्विस दे रहे हैं जिनमें से मुझे कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है और ना डाउट है हमारे MD साहब उनमें से एक है। क्या एक ताली बजा सकते हैं? मैंने उनको देखा नहीं तो गाड़ी चलाते हैं तब भी ही इज ऑलवेज गिविंग सर्विस He is always with the service and you will never find him. I am learning things from him. So we must be of that kind of attitude being in service industry. Thank you very much. ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय MD साहब से मैडम से गुप्ता जी से एवं दीपा जी से कि हमारे चीफ गेस्ट का स्वागत करें MD साहब आदरणीय श्री संजय कुमार जी को भुक्के प्रदान करें। संजय जी सर हम वसीभूत हैं आपके यहां आने से हम सभी बहुत खुश हैं। थैंक यू वेरी मच आपने और संजय जी का साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। बैठिए अब मैं गुजारिश करूंगा कि दीपा एंड गुप्ता जी साथ को आइए। दीपा जी चीफ गेस्ट को ये अपना एक टोकन ऑफ लव प्रेजेंट करें। गुप्ता जी वैसे देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनको बुलाने में संकोच कर रहा हूँ लेकिन मुझसे ऐसा कहा गया अरे नहीं आप कर लो ऐसा कहा गया लेकिन मैं उनको बचूंगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। अभी प्रोग्राम की जो रूपरेखा है ये है कि MD साहब का एड्रेस होगा उसके बाद में फिर गुप्ता जी का एड्रेस होगा फिर चीफ गेस्ट की तरफ से कुछ हमारे लिए गाइडेंस देके जाए आशीर्वाद के तौर पर जिसपे हम चलने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके बाद में फिर हम अपना खेल कूद का प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ उमंग से। क्या है सूरज की पहली किरण से दिन की शुरुआत करने का नाम उमंग है। गिरने के बाद उठकर
मंजिल के लिए दौड़ लगाने का नाम उमंग है। यू तो ख्वाहिश सब रखते हैं मंजिल को पाने की, पर मंजिल के राह पर डटे रहने के जिद का नाम उमंग है। अक्सर डरते हैं लोग मुश्किलों को देखकर, पर मुश्किलों से लड़कर जीत पाने की खुशी का नाम उमंग है। जिंदगी का सफर कभी आसान नहीं होता, पर इस सफर को मुस्कुराकर जीने का दान है उमंग। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय MD श्री राजकुमार जी से, वो आए और हमारा पथ प्रदर्शन करें। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो सबसे पहले तो नए साल के आप लोगों को शुभकामनाएं। जी सर। अगले साल हम और बेहतर करें, और मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री से अवगत करा देता हूँ। सर माइक पास। आवाज हाउ वी हैव स्टार्टेड और हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं उसकी जर्नी के बारे में। ये बात अराउंड 2009 की है, जब मैं जॉब पे था और मेरे को भेजा गया था कंपनी की तरफ से जर्मनी UK वगैरह के टूर पे। और जब मैं वहाँ गया, वहाँ देखा, तो वहाँ एक अलग दुनिया जो है महसूस की गई कि वो हमसे बहुत आगे है। उनके काम करने के तरीके, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी वर्क प्रैक्टिस इंडिया से बहुत आगे है। हम जो काम कर रहे हैं उसमें वेस्टेजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जब वापस आया तो वही एक बेचैनी सी अंदर थी कि हम अगर भारत को आगे लेके जाना चाहते हैं तो हम कैसे लेके जाएंगे। करंट स्पीड से अगर हम चलेंगे तो हम बहुत ज़्यादा समय लगेगा हमें उस लेवल तक पहुँचने के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ या हम क्या कर सकते हैं, उस सोच को ध्यान में रखते हुए कई दिन लगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और फिर एक ही चीज़ निकल के आया कि अगर हमें अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है तो अपनी इंडस्ट्री को एक कैसे बेहतर हम कंट्रीब्यूट करें उसका एक रास्ता निकालना होगा। और वो फिर एक निकल के आया कि जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारी जो इंडस्ट्री के सामने है वो ये है कि जो मैन पावर एंट्री करती है, चाहे वो ITI करके या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करके या किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से जब इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करती है तो उनके पास वो स्किल्स नहीं होती जो हमारी इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है। और यही कारण है कि हमारी इंडस्ट्री उतना कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाती, उन लोगों से वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती जो इंडस्ट्री को उम्मीद होती है, और वो हमारी इंडस्ट्री का इनकॉम्पिटिटिव होने का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि किसी भी अगर देश को डेवलप करना है, राज्य को डेवलप करना है, शहर को डेवलप करना है, तो उसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबको डेवलप करना होगा। उसी प्रकार से एक इंडस्ट्री के अंदर 500 डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबके अंदर एक स्किल बिल्डिंग का काम करना होगा, तब जाके जो है वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो काफी हार्ड डिसीजन था कि कैसे करें, लेकिन फिर जब हमें कुछ समझ नहीं आया तो यही रहा कि हम इस समुद्र में कूद देते हैं, कूद जाते हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से बहुत लग्जरी लाइफ सपोर्ट की जा रही थी, बहुत कुछ अच्छा था, और इस डिसीजन में जो है मेरा साथ दिया मैडम ने। यही था कि हालांकि कई बार आदमी घबरा जाता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे बच्चों की फीस पे करेंगे, ये सब होगा, अर्निंग होगी नहीं होगी,
बट इनके बारे में भी मैं एक किसी फिल्म का डायलॉग है उससे मैं बताना चाहूंगा कि उसमें वो कहता है हीरो की मैं डिसीजन लेने के बाद अपने बाप की भी नहीं सुनता है। तो व्हेन सी गेट कन्विंस तो उसके बाद फिर चाहे आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए सो आई फर्स्ट अप्रिशिएट हर एंड थैंक्स फॉर हर काइंड ऑफ सपोर्ट सी हैव गिवन बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है ऑफिस में ही बीता है। अगर मैं चाहे जॉब में था तब की बात करें या बिजनेस में था तब की बात करें तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 2004 से लेके 2018 तक मतलब हार्डली कोई वीकली ऑफ भी मैंने लिया होगा, मतलब ऑलमोस्ट 14 ईयर्स तक वीक ऑफ भी हो सकता है ना किया, कोई वेरी रेयर ऐसे संडे रहा होगा कभी ऑफ कर लिया होगा, अदरवाइज इट वॉज इन ऑफिस एंड इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर फ्रॉम फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू बट आई एम रियली थैंकफुल टू हर की सीओपी में सपोर्ट। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 2010 में वी स्टार्टेड दिस कंपनी। इनिशियली वी स्टार्टेड एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, 2-3 साल तक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और कंसल्टिंग करते रहे। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत से साथी हमारे नए हैं इस सिस्टम में तो उनको थोड़ा सा एक आइडिया लगे बैकग्राउंड का। 2013 में हम सरकार के पार्टनर बने थे, अक्टूबर 2013 में स्किल इंडिया में, और तब से हमने उस प्रोसेस में काम करना शुरू किया। लेकिन कुछ हमारा एक्सपीरियंस का अभाव था तो उस वजह से हमने काफ़ी गलतियां भी की और काफ़ी हम बुरे दौर से भी गुजरे, काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हुआ कंपनी को, काफ़ी हम नेगेटिव में चले गए। लेकिन उन परिस्थितियों में भी कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ एक जिद ले लेते हैं, कसम खा लेते हैं कि नहीं जो है साथ चलना है एंड वी हैव टू कम बैक विद अ बेटर रिजल्ट्स। तो उसके लिए मैं जो है सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा दीपा का कि 2015 और उस समय थोड़ा सा दौर ठीक नहीं था हमारा, काफ़ी टफ टाइम से हम गुजरे थे बट आई विल अप्रिशिएट हर डेडिकेशन कमिटमेंट एफर्ट्स डे एंड नाइट को एक करते हुए सी हैव वर्क लॉन्च एंड ड्यू टू विद योर ऑल सपोर्ट एंड एफर्ट्स वी रीच एट दिस लेवल। उसके बाद थोड़ा और हम आगे चलते हैं, 2020 की बात आती है, कोविड आ जाता है और लगभग सारे स्किल सेंटर्स बंद हो गए थे, कोई काम नहीं था। तो हमने सोचा कि अब कैसे बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, तो वी थॉट कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ एंट्री करते हैं और वहाँ पे हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए और उस इनिशिएटिव्स में कई हमें काम करने थे उस समय जब कोविड का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था और हमें कोई कुछ नहीं मिल रहा था, ना कोई लेबर था ना कुछ और था। तो हमारे ऑल सीजन हीरो का जन्म हुआ एंड दैट इज मिस्टर संजय। तो जब लेबर भी नहीं मिल रहा था तो इवन कंस्ट्रक्शन का भी काम करना था तो इन्होंने खुद जो है सारा क्रेशर वेशर सब अरेंज कराया और इन्होंने कहा मैं चिनाई का काम करता हूँ और जो हमारे स्वीपर थे उसको कहा तुम मसाला बनाओ और विजय जो है उसको कहा तुम पत्थर काटो, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ वी हैव। और जिस तरीके से इन्होंने वो एक आप देखिए कि एक प्रोफाइल कहाँ आप एक ट्रेनर हैं या एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और कहाँ आप जो है मिस्त्री और लेबर का काम कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर सपोर्ट इन दोज टाइम्स। और जिस तरीके से ये सारे इनिशिएटिव को लेके आए दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सो वी शुड हैव ए राउंड। धीरे धीरे जर्नी जो है आगे बढ़ती है और
हमारे जो है काफ़ी टीममेट्स और भी नए आते हैं, काम कर रहे हैं, उनमें चाहे सुनील सिंह है, ही एंटर्ड इन 2000 समवेयर इन 2021, तो इनसे पहले एक एंट्री ओवर हुई थी, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा। हम स्पोर्ट्स के अंदर जो है अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम सबसे पहले हम करने लगे थे और इनिशियली इट वाज रियली गुड, बट बीच में कुछ हमें वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, काफ़ी चैलेंजेस आने लगे और उन चैलेंजेस के अंदर जो है एक और नए आदमी की इंट्रोडक्शन हुई यहाँ सिस्टम में, एंड दैट इज मिस्टर प्रमोद। इनको एक तरह से अगर इनका नाम हम बोले तो हनुमान वाला नाम है, तो ये हनुमान है, मतलब कहा है कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इनको भेज दीजिए, बस प्रॉब्लम खत्म, राइट। तो ही डिड अ रियली एक्सेलेंट जॉब देयर और जो प्रोजेक्ट पे जो हम मीटिंग करते थे, जो काम करते थे, उसको जो है काफी हद तक ऑलमोस्ट मोर देन 2 times तक जो है इम्प्रूव किया और आज वो कस्टमर जो है अप्रिशिएशन हमें दे रहे हैं। सो वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर सपोर्ट। सो इनके बाद सुनील, लाइक ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड आई वुड अप्रिशिएट हिम, ही एज अ फ्रेशर ग्रेजुएट होने के नाते ही ज्वाइंड एज अ फ्रेशर ग्रेजुएट, कॉलेज से पास आउट होके आए और हमने एकदम आते ही इनके ऊपर डिपार्टमेंट का बोझ दे दिया एंड ही डिड रियली ग्रेट जॉब। अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे प्रोजेक्ट की कंप्लायंस को लेके हो, चाहे उनके डिलीवरेबल्स की और बातें हो, बट वी शुड अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स एंड हैव अ गुड राउंड ऑफ क्लैप फॉर हिम आल्सो। एक्सेलेंट जॉब और एज ए सिंगल आर्मी की तरह जो है पूरे प्रोजेक्ट को ये आगे बढ़ाते रहे, हालांकि अभी कुछ और करना बाकी है बिकॉज स्टिल नॉट नीड टू बी डन फॉर इम्प्रूविंग द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पर्सन अभी है नहीं, पंकज, हाईली सिस्टमेटिक डिसिप्लिन पर्सन इन द कंपनी, सो हमेशा सबको गुरु मंत्र देते रहते हैं, मेरे को पता चला है, सो वी शुड अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स एज़ वेल। और इन सबके पीछे जो मेरी अगर पर्सनल ग्रूमिंग की बात करें तो यहाँ पे तो बाद में एक इंट्रोडक्शन है, बट मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा विनय गुप्ता जी का, जब मैं जॉब में था तो करीब सर के पास मैंने 5-5.5 साल लगाए थे और उन्होंने एग्जैक्टली वो काम किया जो कुम्हार करता है कि ऊपर से पीटते रहो, नीचे से हाथ लगा के रखो और इतना पॉलिश कर दो कि जो है आदमी जिंदगी में कभी मार ना खाए। सो थैंक यू सर फॉर योर एफर्ट्स एंड गाइडेंस। और मैं ये कहूंगा कि हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो उसमें बहुत बड़ा जो है योगदान सर का। तो एक कहावत होती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक बहुत बड़ा जो है योगदान जो है सर का रहा, क्योंकि मैं जब जॉब में था तो हर फ्रंट पे, चाहे मेरे टेक्निकल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे मेरे थॉट प्रोसेस की बात करें, स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, हर एंगल से जो है ही सपोर्टेड मी अ लॉट एंड ही हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर इन द जॉब सो दैट आई कैन वर्क फ्रीली इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आई कैन परफॉर्म that things and by virtue of that I learned lot of things from there aur unhi ka natija hai ki somehow we are in sustainable position here।
सो उसके बाद हमारे बहुत से साथी जो यहाँ पे, क्योंकि हर एक का हम नाम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट योगिंदर है अभी, मिस्टर मुकेश नारायण त्रिपाठी, इन्होंने ज्वाइन किया है लास्ट मंथ ओनली, दिस मंथ ओनली, एंड और भास्कर जी हैं जो बिजनेस डेवलपमेंट की एक्टिविटी देख रहे हैं, जो है मनीषा, शी इज लुकिंग आफ्टर इन एचआर. सो ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू योर सपोर्ट, गाइडेंस एंड कोऑपरेशन फॉर यू नो ब्रिंगिंग दिस कंपनी एट दिस लेवल. और उसके बाद जो मैं नेक्स्ट थैंक्स करना चाहूंगा दैया जी का, कि इनके बारे में मैंने सुना बहुत था जब मैं बिजनेस में था और यहाँ पे हम काम कर रहे थे, पर्सनली उतना नहीं जुड़े थे, लेकिन आई हार्ड ए लॉट. एक डिफेंस बैकग्राउंड होने का भी एक अनुभव है और एक जज्बा है कि कैसे हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को बेटर करना है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है. ही वर्क इन अ सीनियर लीडरशिप रोल इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस. तो क्योंकि हम धीरे धीरे स्केल अप हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, टीम साइज बढ़ रही है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन द ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस एज वेल. तो देन आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम एंड ही एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट. सो ग्रेट थैंक्स टू यू सर. सो ये हमारी अभी तक की जर्नी की जो मैंने बात की. अब हम बात करते हैं हमारे फ्यूचर के बारे में कि व्हाट इज अवर फ्यूचर. जर्नी हमारी काफी फैंटास्टिक रही पिछले ऑलमोस्ट 13 इयर्स की, काफी अप एंड डाउन हमने देखे, लेकिन हमने कभी जज्बा जो है अपना कम नहीं किया, हौसला कभी कम नहीं किया, और हमारे तरीके से हमने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया. और यही उसी तरीके की बदौलत है कि आज हम इंडस्ट्री में और स्किल फर्टिलिटी जितना भी है उसमें जाने जाते हैं एक ही पैरामीटर के लिए, क्वालिटी. आप चाहे स्किल मिनिस्ट्री में बात करें, एनएसडीसी में बात करें, या कहीं भी बात करें, या इंडस्ट्री में बात करें, पीपल नो अस फॉर द क्वालिटी. एंड वो स्पिरिट को हमें जो है आगे लेके चलना है. क्वालिटी ऑफ अवर सर्विसेज उसको हमें हमेशा हाई रख के चलना है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिलने के चलना. हमारे विजन की अगर हम बात करें तो विजन काफी बड़ा है और अचीवेबल भी है. इट इज नॉट कि हम अचीव नहीं कर सकते. सो कौन बताएगा व्हाट इज आवर विजन स्टेटमेंट. एग्जैक्ट वर्ड जरूरी नहीं है, बट यू कैन शेयर योर आइडिया, थॉट. आप अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में बता सकते हैं. कोई बताएगा? एनीवन? Our vision. I can try. Yes, please. So our vision is to become the partner of choice for all skilling activities globally. Right. Thank you. Great. So our vision is to become the partner of choice by the global customers. Our vision is not the localized. We are not thinking about the domestic market within India. हमें services देनी है. No. We have to give service to the entire world, to entire community. And we want to become the partner of choice. Industry की तरफ से एक preference होना चाहिए कि अगर हमें skilling के अंदर काम करना है तो we will go to a mass skilling. और स्किलिंग के अंदर एक एक्टिविटी नहीं है, देर आर सेवरल एक्टिविटीज. अभी यहाँ पे जो टीम बैठी है उसमें मोस्टली लोग फ्रॉम द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम से हैं. सो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इज वन ऑफ द एक्टिविटी. देन वी हैव अ स्किल सेंटर, लाइक वी आर सिटिंग हियर इन द स्किल सेंटर. दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस वेयर वी हैव टू डेवलप हाई क्वालिटी ट्रेनिंग सेंटर्स
and so that we can give services to the industry. And we are already in the process of that, and this training center is one of the best training center of entire Delhi NCR. खासकर अगर हम CNC की बात करें तो there is no any such training center who is giving such kind of trainings to the students. So same thing we have to carry forward for other things as well. Then school business. And after that, there is a next upcoming and a very big thing, that is corporate training and consulting. So corporate training, where we should be the preferred partner for any of the industry. Our vision is that ki har industry saal ki shuruaat mein aapko email ke dwara bata de ki this is my annual training calendar, please give the training to my all employees. So through that, maybe at a one point of time we can be the partner with 100 industry, maybe 200 industry or more than that. So the entire annual trainings will be taken care by us. And not only the training, we should provide the expertise for their plant improvement, productivity improvement, quality improvement, system upgradations, HR services, finance services, legal services, certification services. So there is a wide range of services which we can cater to the industry. And this is our vision. We want to become the partner of choice for the global customers. And the first level target for that, in terms of tangible output, we want to become a skill university. So we are approaching towards becoming a skill university. And this university will give services to the industry in human resource development from all the aspects, or not only the human resource development, from the technical capability development as well. और हमने उस दिशा में already काम करना शुरू कर दिया है. Recently we have formed a separate department, that is corporate training and consulting department, और उस department का बनाने के पीछे जो objective है वो यही है. We should understand the exact requirement of industry. We can design the courses, we can design the curriculum, we can design the assessment criteria so that we can do the joint certification with industry, and we can further train their people, and we can ensure the smooth supply chain of the trained resources with them. So that initiative is already taken, and we have Mr. Mahendra Verma. Agar aap YouTube पे जाएंगे तो CNC गुरु के नाम से अगर आप देखेंगे तो he is very well known to the entire world in the automotive industry. तो इनके follower there, he has a huge follower from America as well in the CNC trainings. So thanks to you as well for having it here. So and then Lina is the part of the same team. So this department is going to understand more the industry expectations, and will design the course contents, curriculum, assessment criteria, and the training mechanism. So that is what is the next target we have. और स्किल यूनिवर्सिटी के पीछे जो हमारी विचारधारा है वो कुछ इस प्रकार से भी है कि जब हम बात करते हैं कि यूके में, यूएस में वहां के यूनिवर्सिटीज, वहां के इंस्टीट्यूशंस ज्यादा बेटर हैं, उनके प्रैक्टिसेस ज्यादा बेटर हैं, तो हमने वहां से एक आइडिया लिया कि व्हाट इज बेटर देयर, और हम वो हम कहां यहां पे उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं. तो वहां हमें पता चला कि नॉर्मली अगर हम भारत की बात करें तो भारत में यूनिवर्सिटी जो है या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसका सर्वाइवल डिपेंड करता है कि हाउ मच फीस यू आर कलेक्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स. बल्कि बाहर जाएंगे तो इट इज नॉट लाइक दैट, वहां ऐसा नहीं है. वहां फीस स्टूडेंट की फीस से इट्स अ नॉमिनल, इट्स अ पीनट, उससे उनका बिजनेस नहीं चलता है, वो यूनिवर्सिटीज नहीं चलती है.
तो वो कैसे चलती होंगी? कैन यू गिव सम काइंड ऑफ एग्जांपल? अगर वो मान लीजिए आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट फीस, तो हाउ यू विल ऑपरेट दैट? एनी आइडिया? या प्लीज ग्रेट। सो वहां पे हर डिपार्टमेंट एक सेपरेट